वो आ रहा इस स्पीड तक तगड़ी आई। नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक कोफ का आउटडोर वाईफाई राउटर, जिसको वेदर प्रूफ है, ये बाहर लगा सकते हैं और इसमें हम मल्टीपल सिम कोई भी सिम लगा के चला सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूँ, ये मॉडल नंबर है CF4G007। ये बाहर लगता है, वेदर प्रूफ है और इसके ऊपर जो रेट लिखा है वो लिखा है 5,550 रुपये, जो रेट लिखा है इसके ऊपर वो है। आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप ले सकते हैं, लगभग 4,000 रुपये का आपको ये मिल जाएगा, ऑनलाइन अमेज़ॉन का लिंक है, और आप चाहे तो हमारी वेबसाइट्स पे भी ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों ये मंथ ऑफ पैकेजिंग मतलब इसी साल ही बना है, मतलब लगभग अभी मेड इन इंडिया तो नहीं है, असेंबल्ड इन इंडिया है। SL टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड है जो कि दिल्ली में जो इसके मेन मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि यहाँ पे स्टिकर आप देख सकते हैं साथ में लगा हुआ है। तो ज़्यादा देर ना करते मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरह का राउटर है और कितना वेदर प्रूफ है कितना नहीं है, पूरा टेस्ट करके आपको इसकी स्पीड सब कुछ चेक कराएंगे इस वीडियो में। आपको अगर पूरा देखना है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए ये है एक 4G वाईफाई राउटर, देखिए बहुत ही अच्छा पावरफुल बॉडी है इसकी, बहुत हार्ड, अगर नीचे गिर जाए तो मतलब इसको कुछ नहीं होता है और बढ़िया है ये। उसके साथ देखिए यहाँ पे इन्होंने पीछे जो है कुछ लिख रखा है, इसका मॉडल नंबर लिखा है CF4G007 और कॉफ इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख रखा है ताकि वारंटी का पता लग सके। बाकी इसका प्लास्टिक काफ़ी सॉलिड है, यहाँ पे हुक्स भी है, कहीं हम बाहर इसको लटका सकते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस तरह से हमने लगाया था। अब बात करते हैं इसके साथ हमारे को और क्या क्या मिलता है। तो ये बॉक्स है जिसमें हमारे को एक तरह से अच्छी सी पैकिंग मिल जाती है और साथ में एक पावर केबल मिल जाती है जिसमें 3 मेल पावर के सॉकेट रहती हैं। मतलब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे मॉडल हैं जो कि चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन चार्ट के हिसाब से आप कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हैं, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद बात की जाए इसमें हमारे को क्या क्या मिल जाता है, एक पावर केबल मिल जाती है यानी कि ये डायरेक्ट पावर से ऑन हो जाएगा, इसको एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिम लगाओ और चलाओ, यानी कि वाईफाई भी है, विदाउट वाईफाई मॉडल भी आता है, POE भी आता है, बट ये जो मॉडल अभी हमारे पास है जो 007 है ये पावर से चलता है। और इसके साथ और क्या खास बात है, ये इन्होंने पिन क्यों दे के रखी है, ये इसलिए दे के रखी है अभी ये अगर हम DVR के पास लगाते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पे इसे इन्होंने यहाँ पे DC आउट दिया है यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट आउट निकलती है, यानी कि यहाँ पे हम सिंगल पिन लगाएंगे और यहाँ आगे हम 2 पिनें लगा सकते हैं। इसका मतलब है ये हम कहीं कैमरे के पास भी लगा सकते हैं बाहर और कैमरे को पावर इसी से मिल जाएगी, या DVR को इससे पावर दे सकते हैं DVR के पास रख के, और DVR को चार्जर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने अलग से चार्जिंग दे के रखी है यानी कि सिंगल से डबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पावर का सॉकेट देख रखी, इस तरह से इसमें पावर केबल लग जाएगी, तो जो कि हम यहाँ पे ऑन करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैन केबल है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैन केबल भी लगा सकते हैं किसी और आउटर वगैरह को जोड़ने के लिए या DVR NVR के लिए। और ये वाईफाई है, ये 007 वाईफाई वाला है, इसमें विदाउट वाईफाई भी आता है और इसमें साथ में हमारे पास एक POE वाला भी आता है और विदाउट पावर सिंपल पावर वाला भी आता है, यानी कि पावर मतलब विदाउट पावर का मतलब इसमें पावर सप्लाई नहीं होती, जो कि 2 वोल्ट की जो यहाँ से निकाल रहे हैं ना 12 वोल्ट 2 एम्पीयर, वो नहीं होता है इसमें। तो ये मॉडल हमारे को एक्चुअली में DVR के पास रखने के लिए पावर चाहिए थी या कैमरे के पास लगाने के लिए चाहिए थी, इसलिए हमने लाया है। जैसे हमने यहाँ लाइन केबल लगाई, ठीक है, कैमरे को पावर देने की जरूरत नहीं है, वो लाइन केबल हम यहाँ लगा देंगे और कैमरा वाईफाई से चला देंगे और जो कैमरा हम लगाएंगे उसको पावर भी यहीं से मिल जाएगी, सिंपल एक बिजली की तार लगाएंगे और साथ में कैमरा लगाएंगे, मतलब इसको लगाया हमने, ठीक है, और कैमरे को पावर दे दी यहाँ से और कैमरे को लाइन दे दी यहाँ से, बस मतलब और कोई वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमारे को ये डिवाइस चाहिए था। आने वाले टाइम में हम आपको वो भी दिखाएंगे जिसमें हम एक सिंपल ये लगाएंगे और इसमें POE होगा, वैसा भी है, ठीक है। तो ये मॉडल फिलहाल है, सिंपल कहीं कैमरा लगाना है और वहीं पर बिजली पहुँचाई और वहीं कैमरे से आपस में जोड़ के और सब कुछ हो गया। तो इस तरह से ये मॉडल है, आप आगे देख सकते हैं किस तरह से हमने यूज़ किया। We'll be right back.
दोस्तों इस कॉफ के फ़ायदे और नुकसान की बात की जाए तो ये कितना वेदर प्रूफ है चेक कर लेते हैं। इसकी जो बॉडी है पूरी सील्ड है एक तरीके से, इस तरह से इसको अगर खड़ा रखेंगे तो बारिश जो है सीधी इसके ऊपर गिरेगी। अगर नीचे की बात की जाए तो काफ़ी थोड़ा सा अंदर है इसका, लगभग आधा सेंटीमीटर अंदर है, तो जो हुक्स और जैक्स हैं वो सारे अंदर ही रहेंगे। मतलब प्रॉपरली इसको अगर सीधा लगाया जाए तो ये एक तरीके से बारिश से बच सकता है, मतलब और यहाँ पे अगर पानी गिर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये सॉकेट है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, भी ये वेदर प्रूफ सॉकेट हमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा बॉक्स लगाना पड़ेगा क्या जिसमें पानी ना जाए, ताकि अगर या फिर इसकी बिजली की तार को टेप करके हम नीचे तक लंबी कर सकते हैं। और दूसरी बात की जाए तो इसमें फ़ायदा यह है भी कैमरे को पावर, यहाँ से DVR को पावर मिल सकती है, लेकिन नुकसान भी है, अगर खाली अगर राउटर ही लेना था तो उसमें पावर की ज़रूरत नहीं थी, तो वो मॉडल दूसरा है वो आप ध्यान रखें। और सिम इसमें मल्टीपल एयरटेल और जियो, ज़्यादातर हमारे यहाँ पास 4G है तो वही चलती है, और आइडिया भी वोडाफोन कोई भी आप सिम इसमें 2G 3G 4G सब चला सकते हैं, और LAN केबल से आप जो है 100 Mbps भी ले सकते हैं, और इसमें वाईफाई भी इनबिल्ट है तो जो कि अच्छी बात है। अभी जहाँ पे इसको हम लगाएंगे उस वहाँ से वो जो एरिया है वो वाईफाई भी हो जाएगा बाहर का। और दिक्कत यह है अभी अगर बाहर लगाते हैं तो वाईफाई वो कवरेज हमारे को नहीं चाहिए, अगर नीचे चाहिए तो एक्स्ट्रा राउटर लगाना पड़ेगा। तो कई लोग जो है वो मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको वाईफाई ना मिले इसमें, और नीचे अलग से आप लैन केबल लगा के वाईफाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो मॉडल अलग है, ध्यान रखें इस बात का भी, इसको सिलेक्ट ना करें, ये सिर्फ पावर के लिए है। इसमें देखो पावर भी है साथ में और इसमें वाईफाई भी है, तो वो मॉडल अलग है, ध्यान रखें इसको लेने से पहले। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके इस वीडियो को बताइएगा, कितना प्यार आप दे सकते हैं इस वीडियो को, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इस राउटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। इसका एंटीना बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं इसकी स्पीड कितनी अच्छी आ रही है, और अगर आप वेदर प्रूफ राउटर चाहते हैं जो कि बहुत सॉलिड हो तो वो ये राउटर बेस्ट है, आप ले सकते हैं अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। और इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मालूम है हमारे चैनल पे CCTV से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं, अगर आपको CCTV रिलेटेड वीडियो पसंद है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे CCTV से रिलेटेड ही वीडियो ज़्यादातर बनाई जाती हैं। फिर भी कुछ राउटर्स और मॉडम्स और बाकी टेक्निकल नॉलेज भी दी जाती है, अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि 4G राउटर के बारे में सबको पता लग सके। और इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद।